मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी, और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा? जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी।